अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्रेनर ट्रेनिंग इस तरीके से ओपन हुई कि ट्रेनर ट्रेनिंग डालना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देंगे, डीओ प्रिंसिपल लॉगिन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लॉगिन ओपन करना है। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल लॉगिन ओपन करने के बाद जो अविरत ट्रेनिंग हुए है वो डायरेक्टली इसके अंदर शो करेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो गट रहेगा, यानी इसमें दो गट है, एक गट है ने जो अविरत ट्रेनर है उनके रहेंगे, उनके नाम डायरेक्ट इसमें ऐड होकर आएंगे। और नॉमिनेट ट्रेनर, तो ये जो है प्रिंसिपल लॉगिन से होंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लॉगिन करना है। प्रिंसिपल लॉगिन करने के बाद यहाँ से इस तरीके से पेज ओपन हुआ। उसके बाद नॉमिनेट ट्रेनर करना है। स्कूल से गट बो के अंदर, ग्रुप बी के अंदर 5 स्कूल से 9वीं से 12वीं तक के टीचर पढ़ाने वाले जो है उनको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट नॉमिनी करना है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है नॉमिनेट हमारे स्कूल का किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है न्यू नॉमिनेट ऐड करने के लिए ऊपर जो बटन दिया हुआ है इसको क्लिक करना है। यहाँ पर उनकी डिटेल फिलिंग करना है, जैसे नेम है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल है, उनकी एज है और जेंडर। जेंडर के बाद जो है क्रिएट पर जो है क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टीचर जो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जो है ग्रुप बी के अंदर नए टीचर जो है इसमें ऐड करना है। और जो अविरत जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलरेडी इसके अंदर ऐड होकर आएंगे। उसके बाद ये कोर्स जो है 15 फरवरी तक कंप्लीट करना है। तो इसको किस तरीके से करना है, तो यहाँ से मैं जो है बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद जो है यहाँ पर जो दूसरा लॉगिन दिया हुआ है यहाँ पर LMS लॉगिन, तो इस LMS लॉगिन को ओपन करना है। LMS लॉगिन को जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर इस तरीके से जो है शो होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, माय नॉलेज रिसोर्स और एक ट्रेन द ट्रेनर LMS प्रोग्राम। तो इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल रहेंगे वो हमें कंप्लीट करना है। पहले चलिए इसको ओपन करते हैं, इसमें कितने मॉड्यूल दिए हुए हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसी तरीके की मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक, ज़रूरतमंदों तक जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते ही स्टार्ट योर ट्रेनिंग के नीचे जो है माय कोर्स ये टैब रहेगा, उसको ओपन करना है। इसके अंदर जो है सारे हमारे ऊपर प्रोफाइल रहेंगी, सेटिंग रहेंगी और ये नीचे जो दिए हुए सब ये सारे हमारे मॉड्यूल हैं। ये इतने कितने मॉड्यूल हमें करना है, तो मॉड्यूल किस तरीके से करना है स्टार्ट करते हैं। पहला जो मॉड्यूल है टच करते ही व्यू नज़र आएगा। व्यू को ओपन करते ही जो है यहाँ पर जो है हमारा कोर्स जो स्टार्ट होता है। फिर इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक वीडियो नज़र आएगी, उस वीडियो को जो है ओपन करना है। तो इस वीडियो को पूरी करने के बाद यहाँ पर नीचे लास्ट के अंदर जो है डाउनलोड PDF देंगे, तो PDF भी डाउनलोड करना है। और इसी के नीचे मॉड्यूल इस कम्प्लीट, अभी मेरा जो कोर्स हो चुका है इसलिए यहाँ पर मॉड्यूल कंप्लीट आया हुआ है। अगर आपका शुरू है तो यहाँ पर कंप्लीट मॉड्यूल इस तरीके से आएगा। तो पूरी वीडियो देखने के बाद जो है आप अपने तौर पर जो है वीडियो देखने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करना है। तो इस तरीके से मॉड्यूल हमारा जो है एक कम्प्लीट होगा। उसी के बाद दूसरा मॉड्यूल को जैसे टच करेंगे व्यू नज़र आएगा। व्यू को ओपन करते से जो है इसके अंदर फिर वापस से वही प्रोसीजर करना है, स्क्रॉल करना है, PDF डाउनलोड करना है और इस वीडियो को देखना है। फिर उसी के बाद इसके अंदर क्विज़ भी अटेम्प्ट करना है। यानी हर मॉड्यूल में क्विज़ नहीं दिए हुए, लेकिन कुछ मॉड्यूल ऐसे जिसके अंदर क्विज़ दिए हुए, जैसे दिख रहे हैं आपके यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज़, तो अटेम्प्ट क्विज़ पर क्लिक करना है। क्योंकि अटेम्प्ट क्विज़ अगर आप नहीं करेंगे तो ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसके अंदर अटेम्प्ट क्विज़ करना जो है कंपलसरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जितने भी सवाल दिए हुए हैं तो उसको जो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर बैक टू कोर्स दे रहा है। मैं आपको दूसरा मॉड्यूल जो है ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर बैग जाना है इस तरीके से, यानी यहाँ पर पूरा प्रोसीजर जो है ये हमें 15 फरवरी तक जो है कंप्लीट करके देना है। क्योंकि इसके लॉगिन फ्रंट पेज पर जो होम पेज पर जो है दिया हुआ है कि इसे 15 फरवरी 2024 तक जो है कंप्लीट करना है। आगे देखिए,
ये कोर्स करने के बाद आपको दो सर्टिफिकेट आएंगे, और उन सर्टिफिकेट को जो है किस तरीके से डाउनलोड करना है इसकी लिंक भी जो है नीचे दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विज अटेम्प्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके से क्विज अटेम्प्ट करना है। इसको यहाँ पर मेरा हो चुका है, इसलिए फिर भी मैं आपको री अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ। जैसे ही इसको हम टैप करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, आपको सवाल पढ़ना है और नीचे दिए गए सवाल का जवाब जो है सवाल के मुताबिक जो आंसर सही है ए है या बी है, आपको इसकी तरीके से जो है सिलेक्ट करना है और बढ़ते आना है। उसी तरह दूसरा जो आपको लग रहा है जवाब आपकी मुनासिबत से, आप जो इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जितने भी सवाल रहेंगे 15, 20, 30 वो सवाल आपको कंप्लीट जो है करना है। मेरा हो चुका है, इसलिए मैं इसको बैक कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। आपका जो है नया रहेगा, इसलिए आपको इसको कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आपका जो है मॉड्यूल जो है वो 100% आएगा। अगर आपका मॉड्यूल 100% नहीं आता है तो समझना आपका ये मॉड्यूल कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मेरा कोर्स 100% हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरे ये 14 मॉड्यूल्स जो है कंप्लीट करना है, तब जाकर ट्रेन द ट्रेनिंग जो है कोर्स आपका कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगी, कोशिश किया मैंने तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद तक जो है ये वीडियो पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।